क्यों हटाया तुमने आर्टिकल 370? आज तो हमने बहुत इंतजार किया इस दिन का कि ये दिन आए। आज यहाँ पे ना कोई पत्थरबाजी हो रही है, ना कोई किसी जगह कॉल दी जा रही है। आज सारा कुछ अमन से चल रहा है। शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और अब श्रीनगर आ रहे हैं 7 मार्च को, और ये दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख लोग इस रैली में शिरकत करेंगे और ये बख्शी स्टेडियम में होगी, ताकि जी कश्मीरियों के मसले जाने जाए पहले और उनको जानकर उन्हें हल किया जाए। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद पीएम मोदी श्रीनगर को पहली बार विजिट करने जा रहे हैं। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम को पाकिस्तान चाहे कि ना चाहे या और ममालिक चाहें कि ना चाहें, अखंड भारत तो बन के ही रहेगा, और उसके बारे में उस हवाले से शुरुआत भी हो चुकी है। कहीं बगैर वीजा पासपोर्ट के यूं ही पाकिस्तान में घुस आते हैं। एक इंडिया का नाम लेते ना अंदर गर्मी सी हो जाती है। अच्छा, कहीं एलओसी पर बहादुरी के झंडे गाड़ देते हैं। पीएम मोदी के जाने से पहले ही कश्मीर में श्रीनगर में नारे बुलंद हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, कश्मीर भारत का अटूट अंग है, उन्हें इकोनॉमी को देखना चाहिए पाकिस्तान की और इंडिया की, उससे कंपेयर करके जाहिर है उन्हें अपना फायदा देखना चाहिए। यहाँ तो हमें खुद अपने लाले पड़े हुए। बदल गया कश्मीर, वो पथराव चले गए, वो खून खराबा चला गया, रोज बच्चे स्कूल जा। मोदी के श्रीनगर पहुँचने पर कुछ अलग ही माहौल नजर आया। कुछ ने वेलकम मोदी लिखकर बड़े बड़े बैनर उठाए हुए थे, तो कुछ नारेबाजी कर रहे थे, मोदी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी के समर्थन में नारेबाजी हो रही और कोई अपने हाथों से बनाए हैंडक्राफ्ट लेकर आया कि वह गिफ्ट के तौर पर प्राइम मिनिस्टर को दे सके। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में ये एक अलग ही माहौल नजर आया। आर्टिकल 370 हटने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। एक स्थानीय महिला ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौर में यहां विकास तेजी से आगे बढ़ा है। अब तक की सरकारें कश्मीर में सौतेला व्यवहार करती रहीं, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में सभी को सुरक्षा मिल रही है और तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। अब यहां पत्थरबाजी नहीं हो रही, अब यहां सिर्फ विकास हो रहा है। कहा जा रहा था कि 370 हटने के बाद बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी 7 मार्च को श्रीनगर जा रहे हैं। अब चूंकि वहां भी भारत में इंतखाबात का सिलसिला जारी हो गया है और बड़ी बड़ी रैलीज अब हो रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की जो मोदी हैं उनकी ये पहली और शायद आखिरी ही रैली हो मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर में। जम्मू में गए थे 2 हफ्ता पहले और अब श्रीनगर आ रहे हैं 7 मार्च को, और ये दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख लोग इस रैली में शिरकत करेंगे और ये बख्शी स्टेडियम में होगी। बख्शी साहब वज़ीर आज़म रहे हैं मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर के 50s में, तो ये उनके नाम से स्टेडियम मंसूब है। तो अब 1 लाख श्रीनगर या वैली से तो नहीं आ सकते, इस बात पे तो मुझे पूरा यकीन है। पाकिस्तान चाहे कि ना चाहे या और ममालिक चाहें कि ना चाहें, अखंड भारत तो बन के ही रहेगा, और उसके बारे में उस हवाले से शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन इससे यह है कि तलखियाँ बढ़ती हैं या जो भी ममालिक हैं इस रीजन में उनके खदशात भी बढ़ते हैं वीज़ा ऑफ इंडिया, तो ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद पीएम मोदी श्रीनगर को पहली बार विजिट करने जा रहे हैं। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम को बख्शी स्टेडियम में अटेंड किया जाएगा। पीएम मोदी के जाने से पहले ही कश्मीर में श्रीनगर में नारे बुलंद हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे हैं। इससे पहले जब उन्होंने कश्मीर का विजिट किया, वहां पर मोदी कश्मीर का शेर है ये नारे बुलंद किए गए थे। अब भी उनके जाने से पहले ही वहां पर तैयारी पकड़ ली गई है। 5,000 करोड़ की मजीद वहां पर इन्वेस्टमेंट पीएम मोदी करने वाले हैं। इसी के साथ साथ 43 प्रोजेक्ट्स पर भी मजीद बात की जाएगी कि कैसे जम्मू कश्मीर को श्रीनगर को मजीद डेवलप करना है। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं आज़ाद कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितना डेवलप्ड है हमारा कश्मीर। उसके मुकाबले में अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितना डेवलप कर दिया जम्मू कश्मीर को, आज हम पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं। रिसेंटली $14 बिलियन का बजट गया है कश्मीर के लिए, सिर्फ हमने अपने कश्मीर को क्या दिया ये बताएं।
हमने क्या दिया है उन पे, मतलब हम लोगों को जब हम वीडियोस देखते हैं कि उन पे जुल्म हो रहा है, उनके बच्चों को जब हम देखते हैं वो कितने बेबस हैं, उन लोगों को जब हमारे लिए तो डूब मरने का मुकाम है। ये क्यों नहीं फिर हम, ये पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, ये वजीर आजम वजीर इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, क्या वो क्या क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं। सरहद पार उनको बहुत फैसिलिटीज मिल रही हैं, हमें भड़काया जाता है सिर्फ उनके खिलाफ। मुझे ये बताएं $14 बिलियन का वो बजट क्यों नाफिज करेंगे फिर कश्मीर के ऊपर, अगर उन्होंने इतना ही उनको दबाना है तो वही ना, अगर उन्हें चाहिए ना वो कुछ ना कुछ करेंगे। क्या हो गया, कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं उनको, कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे ख्याल में। जब उन पे जुल्म, जब वो खुद कहेंगे कि हम पे जो है वो जुल्म बंद हो गया, तब हमें पता चलेगा कि वो तो कह चुके हैं, वो कितनी दफा कहे, वो तो घंटे घर पे भी भारत का झंडा लहरा चुके हैं, और कितनी हमें मिसालें दे वो। कुछ भी नहीं, बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं कश्मीरी मुसलमानों की बात कर रही हूँ। अच्छा भारत के गुनगा रहे हैं वो, प्राइम मिनिस्टर मोदी के गुनगा रहे हैं, क्या वजह है? वो हमारे लिए पैगाम भी भेजते हैं, भाई हम बहुत खुश हैं, आप लोग अपनी कंट्री में खुश हो, बल्कि आप लोगों का कश्मीर हम हासिल करेंगे। वहाँ के मुसलमान ये बोलते हैं कश्मीरी मुसलमान, हो सकते हैं वो प्रेशराइज्ड हो, उन्हें दबाया जा रहा हो। वो उनको कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहे, क्योंकि मतलब वो आजादाना जब वो देखे ना, वो आजादाना जब इबादत नहीं कर सकते हैं, वो ये सब कुछ कर रहे हैं। मस्जिदें हैं वहाँ पर, मस्जिदों पे बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर। वहाँ पर जामिया मस्जिद के अंदर इतना बड़ा मिलाद होता है, जब भी हमारा कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता है, आपको किसने कहा है कि वहाँ पे वो नमाज नहीं पढ़ पा रहे? मुसलमान है वहाँ पर वो, और अच्छे से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो यहाँ आना चाहेंगे एक आटे की कतार में लगने के लिए? नहीं, वो कभी भी नहीं आना चाहेंगे। और मेरे नज़दीक अगर ये उनका बहुत यानी कि इंटेलिजेंट फैसला ही होगा कि वो इंडिया के साथ शामिल हो जाए, उन्हें इकनॉमी को देखना चाहिए पाकिस्तान की और इंडिया की, उससे कंपेयर करके जाहिर है उन्हें अपना फ़ायदा देखना चाहिए। यहाँ तो हमें खुद अपने लाले पड़े हुए हैं, किसी और को क्या ही कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर उन्होंने हमारे साथ शामिल होना होता तो अब तक हो चुके होते, ये उनकी अपनी राय नहीं है कि वो हमारे साथ शामिल हो, और वैसे भी उनको वहाँ बहुत सी फैसिलिटीज मिल रही हैं। आपकी नज़र में इस वक्त वो लोग आज़ाद कश्मीर से कितना आगे हैं? आज़ाद कश्मीर से तो वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, और इंडिया वहाँ पे अपना पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट हमें हमारे अपने सूबों की नहीं मिल रही, तो फिर कश्मीर को तो वैसे इग्नोर करके उन्होंने साइड पे किया हुआ है। लेकिन जब बात आती है इंडिया से लड़ने की, तो सबसे पहले पाकिस्तान आगे आ जाता है और अपना हक मांगना शुरू कर देता है। और मेरे ख्याल से हमें कश्मीर के अवाम के हक को ज़्यादा फोकियत देनी चाहिए बनिस्बत अपनी इकनॉमी के। ये बताएं आज़ाद कश्मीर के लिए अभी तक हमने किया क्या है? कौन से स्कूल्स वहाँ पर तामीर किए हैं, कौन से अस्पताल तामीर किए हैं, कौन से आईटी सेंटर वहाँ पे, या कौन से रेलवे एयरपोर्ट बिल्ड किया वहाँ पर? यही तो बात है, ये कुछ करते नहीं है, लेकिन इन्हें अपना हक चाहिए, इन्हें चाहिए ये वहाँ पे डेवलपमेंट करें, अपना कुछ लगाएं, तो आगे से अवाम भी इन्हें सपोर्ट करे। अवाम इन्हें कैसे सपोर्ट कर सकती है? कश्मीरी तो यहाँ पर मुसलमान है ना, यहाँ पर हमारे कश्मीर में तो हिंदुओं की तादाद या सिखों की तादाद नहीं है, वो तो मुसलमान बसते हैं ना वहाँ पर, तो क्या वो मुसलमान हमारे कश्मीर में जो रहने वाले हैं वो खुश हैं? मेरे नज़दीक तो नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं। इससे बेहतर है अगर अभी तक हम लोग ये मामला हल कर देते।